हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रही हूँ। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा, किसी भी क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। एंड रेगुलर बेसिस से बने रहिए, जैसा कि आपका बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम 7 मई से 15 मई तक कराने की जो सूचना मिली है, और आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सीट को मत देखिए कि सीट कितना है, अपना तैयारी कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। आगे जो अंजाम होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आपका कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। तो सीट आपका इतना कम दिया हुआ है, बट फिर भी आप तैयारी कीजिए, अच्छे से अपना 100% दीजिए। और जो बीपीएससी टीआरई 4 आएगा उसमें सीट ज़्यादा आने की संभावना है, कहा जा रहा है, अब आने के बाद ही पता चलेगा। बट अब अपना डेली बेसिस पे जो है प्रिपरेशन बनाए रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्स रिलेटेड ही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराती हूँ। फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर सभी चैप्टर का थ्योरी क्लास डिटेल में पढ़ाया गया है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू प्रैक्टिस इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका बीपीएससी टीआरई 2 में कराया गया है, और मैं डेली बेसिस को आपको प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी सफलता लीजिए दोस्तों। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, अंतः प्रतिष्ठानित स्पर्धा, ठीक है, अंतः प्रतिष्ठानित प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन का मुख्य ध्येय यानी कि लक्ष्य जो होता है क्या होता है। यह अंतः प्रतिष्ठानित यानी कि इंट्रामुरल की बात कह रहा है, एक विद्यालय के चार दीवारी के अंदर जो प्रतियोगिता होती है बच्चों के बीच में, उसे इंट्रामुरल कहा जाता है। और जो एक विद्यालय से एक संस्था से दूसरे संस्था के बीच जो कंपटीशन होता है उसे एक्स्ट्रामुरल कहा जाता है। तो यहाँ पे अंतः प्रतिष्ठानित प्रतिस्पर्धा यानी इंट्रामुरल का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मुख्य ध्येय होता है विद्यार्थियों को जन सहभागिता का अवसर प्रदान करना, एंड अंतः विद्यालयी स्पर्धा का अनुभव प्रदान करना आपका राइट होगा। तो 1 और 3 राइट होगा, अंतर हो जाएगा दोस्तों, अंतः अंतर में अंतर है, अंतः विद्यालय हो जाएगा कि विद्यालय के अंदर ही होगा, अंतर हो जाएगा तो एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही होगा, 1 और 3 सही होगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो उसमें से 2रा और 4 है वो आपका एक्स्ट्रा मुरल का मुख्य ध्येय है। तो याद रखिएगा, दोनों प्रकार के क्वेश्चंस पूछेंगे तो इसलिए मैं आपको डाउट्स क्लियर करते जाती हूँ। नेक्स्ट है, सार्वजनिक शिक्षा का केंद्रीय विषय क्या है। दोस्तों, केंद्रीय विषय है कि आपका जो सभी अंग हैं उसमें डायनेमिक यानी कि एक गति होना चाहिए, फुर्ती होना चाहिए, ठीक है। तो गतिशील मानव होना चाहिए, डायनेमिक ह्यूमन होना चाहिए। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो दोस्तों, सॉकर एक गेम है कि सॉकर एक गेम भी है और स्पोर्ट्स भी, सॉकर एक स्पोर्ट्स है, सॉकर एक प्ले है। तो दोस्तों, सॉकर जो है एक गेम भी है और स्पोर्ट्स भी। गेम और स्पोर्ट्स में यही अंतर है कि जो गेम होता है इंडोर खेला जाता है, स्पोर्ट्स बाहर ग्राउंड में खेला जाता है, तो ये दोनों में खेला जाता है, इसलिए सॉकर यानी फुटबॉल गेम भी है और स्पोर्ट भी। नेक्स्ट है, क्रॉस वेबर टेस्ट से क्या मापा जाता है। तो क्रॉस वेबर टेस्ट जो है 1954 में हंस क्रॉस तथा रूफ हर्स्टलैंड ने फिजिकल फिटनेस मापने के लिए बनाया, और इससे दोस्तों मिनिमम मैक्स मस्क्यूलर फिटनेस मापा जाता है, यानी कि न्यूनतम मांसपेशीय शक्ति को मापा जाता है, और इसके अंतर्गत 6 बैटरी यानी टेस्ट आइटम्स आते हैं। नेक्स्ट है, टीम प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी यानी रणनीति को ब्लूप्रिंट कहा जाता है योजना का। नेक्स्ट है, एक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक किन रूपों में यांत्रिक यानी मैकेनिकल लाभ उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों, प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है वह स्पीड, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस, इन सभी में यांत्रिक लाभ मैकेनिकल लाभ उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, 1, 2 एंड 3।
फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में होता है, जिसे संतुलन का लीवर कहते हैं। और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी भार बीच में होता है, जिसे बल का लीवर कहते हैं। और तृतीय प्रकार का उत्तोलक जो है, जिसमें फोर्स यानी कि बल जो है बीच में होता है, जिसे गति का लीवर कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन यानी कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन, संकुचन और विस्तार होते हैं। तो यहाँ पे प्लेन की बात कर रहा है दोस्तों। तीन प्लेन होते हैं और एक्सिस भी तीन होती है। जो प्लेन होता है, तल होता है, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल, तीन होता है। सेजिटल प्लेन को लेटरल या मेरियल प्लेन भी कहते हैं, जो शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है। और जो गति होती है आगे पीछे होती है, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट। एंड दूसरा होता है फ्रंटल प्लेन, जो शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है और जो गति होती है दाएं बाएं होता है, और जैसे कि एब्डक्शन एडक्शन मूवमेंट। फ्रंटल प्लेन को कोरोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है, तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। और ये शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है और जो गति होती है सभी रोटेशन और इलिवेशन मूवमेंट होता है। यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मीडियल प्लेन यानी कि सेजिटल प्लेन होगा, जो शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है, और गति आगे पीछे यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली को कार्यक्षमता प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली जो होता है, सहनशीलता वाले खेलों एंड एरोबिक वाले खेलों में ज़्यादा होता है। यहाँ पे एरोबिक व्यायाम के द्वारा कार्डियोवैस्कुलर क्षमता विकसित होगी, राइट आंसर होगा। और इसके अलावा सब अनएरोबिक के हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा व्यवहार जिसमें प्रतिद्वंदी को मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक नुकसान पहुंचाकर जीतना है, वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह कहलाता है आक्रामक का साधन के रूप में उपयोग। ठीक है, आक्रामकता का जो है वो साधन के रूप में प्रयोग कर रहा है खिलाड़ी। एक गलत बात होता है उसको नुकसान न पहुंचा करके जीतना चाहिए। ठीक है, नुकसान पहुंचा रहा है तो इस रूप में होगा। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल खिलाड़ियों को लगने वाली सामान्य चोट क्या होती है? तो दोस्तों, बास्केटबॉल खिलाड़ियों में ज़्यादातर आपका टखने के एंटीरियर की लेटरल लिगामेंट की चोट ज्यादा लगती है बास्केटबॉल में। नेक्स्ट है, परीक्षण के समय उल्टी आने का एहसास का कारण क्या है? तो दोस्तों, परीक्षण के समय उल्टी आने का एहसास का कारण होता है लैक्टिक एसिड का संग्रहण होना। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रूप से दिए गए स्वर्ण पदक में शुद्ध स्वर की मात्रा कितनी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, बीपीएससी टीआई 2 में पूछा हुआ था दोस्तों। तो जो मेडल दिया जाता है स्वर्ण पदक, उसमें शुद्ध सोना की मात्रा ओनली 6 ग्राम शुद्ध सोना होता है। कितना होता है? 6 ग्राम शुद्ध सोना होता है। लेकिन उसमें ये पूछा था आपका बीपीएससी टीआई 2 में कि ओलंपिक स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किसमें बनता है? दोस्तों, ओलंपिक स्वर्ण पदक जो होता है वो 92.5% चांदी से और 6 ग्राम सोने से मढ़ा हुआ होता है। याद रखिएगा, चांदी जड़ित, 6 ग्राम शुद्ध सोना। शुद्ध सोना की मात्रा कितना होता है जो स्वर्ण पदक दिया जाता है? 6 ग्राम होता है एंड 92.5% आपका चांदी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई? तो यह 1954 में बना। नेक्स्ट है, हार्वर्ड स्टेप की परीक्षण मापन करता है। तो दोस्तों, हार्वर्ड स्टेप जो है वह सहनशीलता यानी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मापता है। तो किसको मापता है? कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मापता है, जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को 1943 में ल्यूसीन ब्रोहा ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में टेस्ट किया था, अपनाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे के क्रम में होने वाले आसन विकार कौन सा है? दोस्तों सबसे पहले हमारे जो पीठ वक्ष वाले भाग में पीछे के भाग में उठ जाता है उसे काइफोसिस कहते हैं, या कुबड़ा कहते हैं, या हंच बैक कहा जाता है, या गोल कमर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले काइफोसिस, फिर स्कोलियोसिस जो है हमारा रीढ़ की हड्डी एस का आकार बना लेती है, कंधे दूसरी तरफ और हिप दूसरी तरफ मुड़ जाती है। लॉर्डोसिस होता है जो कमर वाले भाग में गड्ढा यानी कर्व बन जाता है, पेट बाहर की ओर निकल जाता है, उसे हम लॉर्डोसिस कहते हैं। तो ये आपका आप सिक्वेंस बाई सिक्वेंस राइट रहेगा। नेक्स्ट है, किस खेल में सर्वप्रथम दबाव शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों यह फुटबॉल है जिसमें सबसे पहले दबाव शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य के लिए गैसों का आदान प्रदान क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जब आपको पता है जो कोशिकीय श्वसन होता है, जो ब्रीदिंग होता है दो प्रकार का होता है, एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन, यानी इंस्पायरेशन श्वास को अंदर लेना, एक्सपायरेशन श्वास को बाहर छोड़ना। उसके बाद जाता है जो पल्मोनरी धमनी होती है हृदय से अशुद्ध रक्त को लेकर के जाता है फेफड़ों में, और फेफड़ों में से एल्वोलाई होता है, वहाँ से ऑक्सीजन रक्त में आ जाता है, और रक्त में जो अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फेफड़ों के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस प्रकार रक्त शुद्ध हो जाता है और ऑक्सीजन जो है आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो होता है वह ले जाता है कोशिकाओं में, और वहां पे कोशिकीय श्वसन होता है जिसमें सबसे पहला श्वसन होता है आपका अनएरोबिक श्वसन, जिसे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं कोशिका द्रव्य में, और वहां से 2-पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है 2 ATP का, और वो जाता है फिर 2-पाइरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के जो है ऑक्सीजन जो है जो ग्लूकोज होता है उसको ऊर्जा बनाता है यानी ATP का निर्माण करता है, जिसमें 36 ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार उसे रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य के लिए गैसों का आदान प्रदान करना कहा जाता है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। श्वसन जो है वो आपका कोशिकाओं में होता है, याद रखिएगा। ब्रीदिंग हमारे फेफड़ों में होता है जो दो होता है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, श्वास अंदर लेना बाहर छोड़ना, और जो श्वसन होता है कोशिकाओं में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का ऊर्जा गृह या ऊर्जा गृह कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन केंद्र होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जिन खराब तत्वों की आवश्यकता नहीं रहती उनको क्या कहा जाता है? दोस्तों उसको एक्सक्रिएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सक्रिएशन। नेक्स्ट है, रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज में एक कमी आने से इंसुलिन के अवरोध का कारण बनता है, यह जो है एग्जाम्पल है ग्लूकेगॉन की कार्रवाई। ठीक है, ग्लूकेगॉन एक्शन की। नेक्स्ट दोस्तों, प्रति मिनट थायराइड ग्रंथि में रक्त प्रवाह होता है, तो थायराइड ग्रंथि में प्रति मिनट 4.5 से 7 मिलीग्राम प्रति ग्राम रक्त प्रवाह होता है। नेक्स्ट दोस्तों, स्प्लीन किस तंत्र यानी सिस्टम का भाग है? जैसा कि आपको पता है स्प्लीन जो है वह इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र का भाग है, क्योंकि यह श्वेत कणिकाओं और लिम्फ का भाग है, यानी कि लसिका तंत्र जो टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम रोगों से प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। और स्प्लीन को ब्लड का कर्मस्थान भी कहा जाता है, क्योंकि RBC आकर के स्प्लीन में मरता है। नेक्स्ट है हार्मोन, यहाँ पे खाली स्थान है, प्रणाली सिस्टम के रसायनों यानी केमिकल्स के केंद्रों से कौन से क्षेत्र को प्रभावित होता है? दोस्तों हमारे जो ग्लैंड होती है 3 प्रकार के होती है, एंडोक्राइन एग्जोक्राइन एंड मिक्स ग्लैंड। एंडोक्राइन यानी कि नलिका विहीन ग्रंथियां जिसमें केवल हार्मोन स्थापित होते हैं, जैसे कि थायराइड पैराथायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड, एंड ये डायरेक्ट अपना जो है हार्मोन को रक्त में छोड़ते हैं।
और दूसरा होता है वही स्राव यानी एक्जोक्राइन ग्लैंड, जिसमें हार्मोन और एंजाइम दोनों स्राव, ओनली हार्मोन स्रावित, एंजाइम स्रावित होते हैं, सॉरी दोस्तों, एंडोक्राइन में ओनली हार्मोन और एक्जोक्राइन में ओनली आपका एंजाइम स्रावित होते हैं, जैसे कि हमारा अमाशय यानी कि स्टोमच हो गया, आग्नाशय से मिक्स ग्लैंड है दोस्तों, ठीक है। और तीसरा होता है मिक्स ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि, जो आग्नाशय होता है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एंडोक्राइन। नेक्स्ट है ग्रसनी यानी फेरिंग्स, पाचन प्रणाली सिस्टम से संबंधित है। जो फेरिंग्स होता है दोस्तों वो वहाँ पे श्वास नली और पाचन नली दोनों जाता है, दो जहाँ पे आपका इपिग्लोटिस होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है अलग अलग दोनों नली होती हैं जहाँ से आपका लैरिंग्स होता है वो चला जाता है, आपके जो कंठ होता है वो श्वास नली की तरफ और इधर आपका भोजन नली की तरफ। इस प्रकार जो है श्वसन नली और भोजन नली दोनों का मिलन होता है फेरिंग्स में, तो यहाँ पे आपका श्वसन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार की हड्डियाँ ताकत देने का कार्य करती हैं, जो लघु सो छोटी हड्डियाँ होती हैं वो ताकत देने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट सेट कमांड पर धावक की स्थिति में रहता है दोस्तों, जो आपके स्प्रिंट रेस होते हैं उसमें तीन कमांड दिया जाता है, ऑन योर मार्क सेट एंड गो। और जो लंबी दूरी की दौड़े होती हैं स्प्रिंट रेस में 100, 200, 400 मीटर दौड़ एंड रिले रेस आता है, इसमें तीन कमांड ऑन योर मार्क सेट एंड गो दिया जाता है। और जो लंबी दूरी की 400 मीटर से ज़्यादा की दौड़े हैं उसमें दो कमांड ऑन योर मार्क और गो दिया जाता है। तो सेट कमांड पर जो है हमारे बॉडी का जो स्थिति होता है अस्थिर संतुलन होता है यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है डिस्कस की रिहाई के समय यानी कि जो हम डिस्कस थ्रो कर रहे हैं फेंकने के समय कौन सा फोर्स लगता है दोस्तों, जो केंद्र की तरफ बल लगता है उसे सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो जब हम डिस्कस को छोड़ते हैं उस कंडीशन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो ज़्यादा लगता है सेंट्रीपिटल यानी कि केंद्रीय केंद्र की तरफ बल से अधिक, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक लगेगा सेंट्रीपिटल के मुताबिक, ठीक है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजी एंड स्किल टेस्ट वह चरण है जहां एथलीट को खेल के किस पक्ष का एहसास होता है दोस्तों, तो जब स्किल है और हमारी मनोदशा है वो दोनों टेस्ट पता चलता है जब आप कंपटीशन में प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, प्रदर्शन लक्ष्य में परफॉर्मेंस एम्स में पता चलता है। क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइसेप सूरी मांसपेशी में कौन सी मांसपेशियां शामिल रहती हैं, तो दोस्तों ट्राइसेप सूरी जो हमारी पिंडली की मांसपेशियां होती है उसमें गैस्ट्रोनेमियस जिसे कॉफ मसल्स कहते हैं और सोलियस मसल्स शामिल होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ख, जो हमारा ट्राइसेप सूरी मसल्स होती है उसमें गैस्ट्रोनेमियस से सोलियस मसल्स है, इसको दूसरा हृदय भी कहा जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सीखने का एक नियम है, तो दोस्तों थंडाइक ने सीखने के तीन नियम दिए हुए हैं आप सबको पता है, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि व्यायाम की तत्परता के नियम, एंड लॉ ऑफ प्रैक्टिस यानी अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है मानसिक विकास में शामिल है, तो दोस्तों मानसिक विकास जो है तर्क करेंगे और सोचेंगे थिंकिंग करेंगे तभी आपका ज़्यादा अच्छा होगा, तर्क एवं सोच उसमें शामिल है। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया में प्रति दर का धीमा होना और एक सीमा से परे आगे सुधार असंभव लगने को क्या कहा जाता है, तो उसको दोस्तों सीखने का पठार यानी प्लेट्यू कहा जाता है। नेक्स्ट है
प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन का यानी मोटिवेशन का कौन सा प्रकार छोटे बच्चों पर लागू नहीं होता? तो दोस्तों जो इंटरनल मोटिवेशन है, आंतरिक प्रेरणा है, वो लागू नहीं होता, क्योंकि जो प्रेरणा होता है दो प्रकार का होता है। जो प्राथमिक प्रेरणा होता है जिसे आंतरिक मोटिवेशन भी कहते हैं, जो जन्म से विद्यमान होता है, जिसे भूख प्यास दर्द से मुक्ति नींद आराम। और द्वितीय अभिप्रेरणा जो होता है वो जन्म से विद्यमान नहीं होता, जैसे वो जन्म के पश्चात धीरे धीरे अपना रूप लेता है, जैसे अपनत्व की भावना, प्यार की आवश्यकता, संबंध बनाने की आवश्यकता, संरक्षण की आवश्यकता, समाज में पहचान की आवश्यकता आदि होता है। तो जो अभिप्रेरणा होता है दोस्तों, जो आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, अंदर से जो मोटिवेशन होता है, ऐसे लोग ज़्यादा अच्छे आगे प्रगति करते हैं। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन से प्रभावित होकर काम करते हैं वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो प्रेरणा होता है वो आंतरिक प्रेरणा नहीं होता है, वो बाहरी चीज़ों को देख करके छू करके समझते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है उन लोगों में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रभावी ढंग से शरीर के अंग के छड़ों यानी मूवमेंट्स में एकीकृत करने की क्षमता को क्या कहते हैं? दोस्तों जैसे कि आप फुटबॉल बास्केटबॉल फेंक रहे हैं तो आपको एक साथ देखना है कि आँख को भी काम करना है, पैर को भी काम करना है, हाथ को भी काम करना है, सभी अंगों का एक साथ संयोजन कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय कहलाता है। कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय कहलाता है। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो चार प्रकार का होता है दोस्तों, सात प्रकार का होता है, जिसका मैंने ट्रिक बताया था, ए बी सी डी आर आर ओ। ए सी एडॉप्टेशन एबिलिटी यानी अनुकूलन योग्यता, बी से बैलेंस यानी संतुलन योग्यता, सी से कैपलिंग एबिलिटी यानी युग्मन की योग्यता, डी से डिफ्रेंसिएशन एबिलिटी यानी कि पृथककरण की योग्यता, आर से रिदमिक एबिलिटी यानी तालमेल की योग्यता, फिर आर से रिएक्शन एबिलिटी यानी प्रतिक्रिया योग्यता, ओ से ओरिएंटेशन एबिलिटी यानी कि निर्धारण योग्यता। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप स्पोर्ट ट्रेनिंग वाले प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीज़ों को डिटेल में थ्योरी सेशन पढ़िए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा परीक्षण समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन को नहीं माप सकता? तो दोस्तों जैसे गेंद पकड़ना है तो इसमें आँख पैर हाथ सबको संयोजन करना है तो कोऑर्डिनेशन को मापेगा, रस्सी कूदो इसमें भी, जंपिंग जैक इसमें भी मापेगा, लेकिन कार क्षेत्र कूद यह नहीं मापेगा। इस प्रकार क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आपको दिमाग लगा के आंसर देना है। नेक्स्ट है लीवर का कौन सा प्रकार खेल के दौरान सबसे अधिक प्रभावी होता है? दोस्तों तो आपको पता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है तृतीय श्रेणी का लीवर, तो तृतीय श्रेणी का लीवर सबसे ज़्यादा प्रभावी रहता है जब आप खेल के दौरान खेल रहे हैं तब। नेक्स्ट है बचपन में व्यक्ति का व्यवहार निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित होता है? तो दोस्तों बचपन में सबसे ज्यादा प्रभावित परिवार के लोगों से होता है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धी चिंता कंपटीशन कंसर्न की कौन सी थ्योरी खेल प्रदर्शन को प्रभावित करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, उल्टे यू परिकल्पना। नेक्स्ट है दोस्तों क्वाड्रिसेप्स समूह में निम्न में से कौन सी मांसपेशी नहीं आती? दोस्तों क्वाड्रिसेप्स जो मसल्स होती है जांघ के ऊपर घुटने के ऊपर होती है, जांघ के सामने की मसल्स जो चार मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मेटेरियलिस मीडियलिस, वास्टस लिटेरलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस। तो यहाँ पे रेक्टस फेमोरिस भी है, वास्टस मीडियलिस भी है, वास्टस लिटेरलिस भी है, बट सार्टोरियस नहीं है। क्वाड्रिसेप्स मसल जो होती है हिप को मुड़ने और घुटने को पैर को पसारने यानी कि फैलाने में मदद करता है। नेक्स्ट है तनाव यानी स्ट्रेस, मूंछ यानी स्प्रेन, पट्टा चोटों के लिए तत्काल प्रबंधन क्या है? जितने भी एथलेटिक्स प्रकार की चोटें हैं दोस्तों उसमें सबसे पहले बर्फ का प्रयोग किया जाता है, तो आइस पैक का प्रयोग आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विटामिन B6 किससे प्राप्त होता है? जो ऑप्शन दिया है इसमें विटामिन B6 सबसे ज्यादा प्राप्त होगा जिगर से। नेक्स्ट है जीवित चीजों के अध्ययन करने वाले विषय को क्या कहा जाता है? तो जीवों के अध्ययन करने वाले अध्ययन को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है एनाटॉमी भाषा में
हृदय की मांसपेशियों को क्या कहा जाता है? तो मायोकार्डियम बोला जाता है। हृदय की मांसपेशियां तीन मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। सबसे बाहरी परत होती है मांसपेशी की, तो एपिकार्डियम। दूसरा वाला परत होता है मायोकार्डियम। एपिकार्डियम जो सबसे बाहरी परत होती है, उसमें मायोकार्डियम की दो परत होते हैं जिसमें सेरस नामक द्रव भरा रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य पर चर्चा के दायरे से बाहर है? जो स्वच्छता है, रोग है, विकृति यानी कि डिफॉर्मेशन है, बट मौत नहीं है। मौत तो निश्चित है, उसमें कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। नेक्स्ट है, पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों थायराइड ग्रंथि की जो पीछे वाला भाग होता है, ठीक है, वहां पर मटर के दाने के समान चार की संख्या में पैराथायराइड ग्रंथि होती है। और जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है वो रक्त एवं शरीर में कैल्शियम की उचित मात्रा को बनाए रखने में योगदान देता है, और विटामिन डी इसमें सहयोग करती है। तो यहाँ पे चार संख्या होता है। नेक्स्ट है, कुश्ती को आधुनिक ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों कुश्ती को आधुनिक ओलंपिक खेलों में 1896 में शामिल किया गया। कुश्ती जो है दो प्रकार की खेली जाती है, एक ग्रीको रोमन, एक फ्री स्टाइल। जो ग्रीको रोमन है 1896 एथेंस में शामिल किया गया, और जो फ्री स्टाइल है 1904 सेंट लुइस ओलंपिक में शामिल किया गया। महिलाओं को कुश्ती में 2004 एथेंस में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, जूडो को ओलंपिक में पहली बार कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों जूडो खेल को, जो जापान का राष्ट्रीय खेल है, इसको 1964 में सबसे पहले शामिल किया गया, और महिलाओं को 1992 बार्सिलोना स्पेन में। नेक्स्ट है, 1992 के ओलंपिक खेलों में 100 मीटर की दौड़ के पुरुष विजेता कौन थे? तो दोस्तों वो थे लिनफोर्ड क्रिस्टी। याद रखिएगा, 1992 के ओलंपिक खेलों में 100 मीटर की दौड़ के पुरुष विजेता लिनफोर्ड क्रिस्टी थे, जो ब्रिटेन के थे। दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि आधुनिक जो प्रेजेंट में हुआ है उसी से पूछे, जैसा कि आपको 2012 लंदन ओलंपिक के विषय में पूछ दिया था बीपीएससी TI2 में। तो आप ओलंपिक, पैरालंपिक, ये सभी चीज़ें, एशियन गेम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ओलंपिक का कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। एंड जैसा कि यहाँ पे कार्ल लुइस जो है वो 1984 लॉस एंजल्स में 100-200 मीटर दौड़ लंबी कूद और 4x100 मीटर रिले में 4 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे, और 1936 में जेसी एवेंस ने भी 4 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे 100-200 मीटर दौड़ लंबी कूद और 4x100 मीटर रिले में। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी क्या है? तो दोस्तों महिलाओं के लिए 100 मीटर बाधा दौड़ में महिला बाधाओं के बीच की दूरी 8.5 मीटर है, 8.5 मीटर है, जबकि 110 मीटर पुरुष के लिए बाधाओं के बीच की दूरी 9.14 मीटर है। अब 400 मीटर पुरुष महिला दोनों के लिए 35 मीटर है। नेक्स्ट है, लार ग्रंथियां कौन सी हैं? तो हमारे मुख में दोनों तरफ तीन लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कुल 6, और जोड़ों में पूछेगा तो 3, जो उसमें से पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, 3 होता है, जिसमें सबसे बड़ा होता है पैरोटिड। तो यहाँ पे पैरोटिड भी है और सब मैंडिबुलर भी है, उपरोक्त दोनों यहाँ पे राइट होगा। लार ग्रंथियों से टैलिन नामक एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है। टैलिन एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करता है, और जो लाइसोजाइम होता है भोजन के द्वारा आए हुए जीवाणुओं, बैक्टीरियाज को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मैदानी हॉकी किस देश में विकसित हुई? तो दोस्तों यह इंग्लैंड में विकसित हुआ। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपके लिए हर दिन आपको बेस्ट क्वेश्चनों का सेशन प्रोवाइड किया जाता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए कि जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। और डेली बेसिस पे आप सब प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के